Assalamu alaikum and welcome to another episode of Nation's Voice with Shaban Mushtaq. I am your host Shaban Mushtaq. और अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई YouTube चैनल दैट इज़ शाबान मुश्ताक और प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती चली जाए। सबसे पहले तो मैं अपने अजीज़ान पाकिस्तानियों को गोल्डन जुबली 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस की मुबारकबाद देना चाहूँगा। आज का शो भी इसी परस्पेक्टिव में मैंने ऑर्गेनाइज और अरेंज किया कि हम 75th जो अपनी इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं इसको ज़रा इन्हांस करें। गिले शिकवे तो बहुत हैं पाकिस्तान में, ये नहीं होता पाकिस्तान में, वो नहीं होता, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आज आपको पाकिस्तान के तरक्की का सफ़र बताऊं जो हमने इन 75 सालों में तय किया, और अल्लाह हमारा हामी नासिर हो, हम इस तरक्की के सफ़र को हमेशा गामजन रखेंगे। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान जब 1947 में सेपरेट हुआ था तो एसेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी? ऑल इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि 64% एसेट्स जो हैं वो इंडिया के पास जाएंगे और 36% एसेट्स जो हैं वो पाकिस्तान को दिए जाएंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली इट वाज ऑल प्री प्लान्ड कि वो 36% एसेट्स भी हमें नहीं मिले, क्योंकि सब लोग ये चाहते थे कि पाकिस्तान को इतने बुरे हालात के अंदर धकेल दिया जाए जहाँ पर इसको सर्वाइवल की जंग करना पड़े, और एक यंग कंट्री अपने जो है वो जवानी तक भी ना पहुंच सके, अपने अरूज तक भी ना पहुंच सके और वो निस्तो नाबूद हो जाए। लेकिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि हम लोगों को तरक्की का सफ़र जो है वो हम तय करते चले गए। 1947 के अंदर पाकिस्तान को सेपरेशन के अंदर 4 बिलियन रुपीस मिलने थे, लेकिन हमें दिए कितने गए? सिर्फ और सिर्फ 1.2 बिलियन रुपीस। यानी कि एक ऐसा मुल्क जिसके पास ना कॉन्स्टिट्यूशन है, ना इदारे हैं, ना कोई चीज़ है, और उसको आप दे रहे हैं, डिसाइडेड था 4 बिलियन रुपीस देने का, आपने हमें 1.2 बिलियन रुपीस दिया। जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान एयरलाइंस के पास सिर्फ 3 एयरप्लेन्स थे, 2 एयरप्लेन्स ऑलरेडी ग्राउंडेड थे, सिर्फ एक ऑपरेशनल एयरप्लेन था हमारे पास जिसके ऊपर कायद आजम मोहम्मद अली जना इंडिया से पाकिस्तान आए थे। लेकिन आज पूरे मुल्क में जो है वो हवाई अड्डे मौजूद हैं, एयर नेटवर्क वसी तर है। वही पाकिस्तान एयरलाइंस जिसे 1985 में एमिरेट्स जैसी एयरलाइंस को फिर बनाया। जब पाकिस्तान बना था तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में मोटरवेज नहीं थे। जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज नहीं थी, लेकिन आज 75 सालों के बाद वो लोग जो गिला करते हैं, जो कहते हैं कि क्या है पाकिस्तान में, तो मैं उनको बताऊं कि आज 75 सालों के बाद पूरे पाकिस्तान में मोटरवेज का नेटवर्क है। ये बात यहां पे कोट करना चाहूंगा, इंडियन सिंगर गिप्पी ग्रेवाल जब पाकिस्तान आया तो उसको इस्लामाबाद की तरफ लाहौर से ट्रेवल करना था, वो मोटरवे पे ट्रेवल किया तो वो खुद कहता है अपने इंटरव्यू के अंदर कि मैं एकदम देख के परेशान हो गया और मैं अपने साथियों से पूछने लगा कि तो पता करो मैं कनाडा तो नहीं आ गया। यानी कि 6 लेन मोटरवेज थी और वो खुद कहता है कि प्रॉपर रेस्टिंग एरियाज इन सारा कुछ था। ये है वो तरक्की का सफ़र जो हमने 75 सालों में तय किया। जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान में कोई ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर नहीं था, कोई ऑटोमोबाइल असेंबलर नहीं था। 85 तक गाड़ियां इंपोर्ट होती रहीं पाकिस्तान में। ये तरक्की का सफ़र है कि आज 13 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में अपना प्लांट ऑपरेट कर रही हैं। ये है वो तरक्की का सफ़र जो हमने 75 सालों में तय किया। जस्ट थिंक ऑफ अ नेशन हु जस्ट गॉट 1.2 बिलियन रुपीज एज द टोटल वर्थ। 36% एसेट्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बात हुई थी, हमें तो 36% भी नहीं दिए गए, सिर्फ इसलिए कि कहीं हम सर्वाइव ना कर जाएं, सिर्फ इसलिए कि कहीं हम तरक्की का सफर तय ना करें। पाकिस्तान इज अ सेल्फ मेड कंट्री। इस बात को कहने में कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तान जिसको विरासत में या डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ नहीं दिया गया,
आज इट होल्ड्स द सिक्स्थ लार्जेस्ट आर्मी. दैट पाकिस्तान इज एन एटॉमिक पावर. न्यूक्लियर बॉम्ब है हमारे पास, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ पाकिस्तान. ये है वो तरक्की का सफर जो हमने 75 सालों में तय किया. पाकिस्तान एयरलाइंस को मैंने बताया कि 3 एयरप्लेन्स दिए गए, 2 खराब और 1 ऑपरेशनल. लेकिन वही पाकिस्तान एयरलाइंस ने जो है दुनिया में लॉन्गेस्ट जर्नी का रिकॉर्ड बनाया. 22 घंटे 22 मिनट तक टेक ऑफ फ्लाइट किया हम लोग. यह है वो पाकिस्तान, यह है वो पाकिस्तान की कामयाबी. आज पाकिस्तान में मेट्रोज हैं, आज पाकिस्तान में ओवरसीज या ओवरहेड आपके पास क्या कहते हैं उसको, रेल नेटवर्क है. अफगानिस्तान जैसे मुल्क में ट्रेन नहीं चलती है, बट पाकिस्तान हैज एन एंटायर रेलवे नेटवर्क. जब पाकिस्तान बना था तो उसकी यील्डिंग कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि वो वीट एक्सपोर्ट कर सकता, लेकिन टुडे वी आर द एक्सपोर्टर्स ऑफ द वीट. हम दुनिया को गंदम बेचते हैं. ये है वो सफर जो हमने तय किया है, यह है वो सफर जो इस मुल्क ने तय किया है, जिसके पास सर्वाइवल के जो पैसे दिए गए थे वो चंद माह के थे. गिले शिकवे तो बहुत हैं कि पाकिस्तान में ये भी नहीं है, पाकिस्तान में वो भी नहीं है, पाकिस्तान में लूट चढ़ेंगे, पाकिस्तान में जो है वो अदारे काम नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान में करप्शन है, पाकिस्तान में तरक्की नहीं हुई है. कौन कहता है? ये है वो तरक्की का सफ़र जो हमने तय किया है इन 75 सालों के मनाजर में. आज फीफा वर्ल्ड कप के लिए हम लोग सियालकोट से फुटबॉल्स बनाकर भेजते हैं. इसका मतलब है कि हमारी फुटबॉल इंडस्ट्री, फुटबॉल प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री इतनी मजबूत बन चुकी है कि पूरी दुनिया में से वो कहीं से भी फुटबॉल नहीं मंगाते, सिर्फ सियालकोट से मंगाते. यह वो सफ़र जो हमने तय किया है. पाकिस्तान टेक्सटाइल के लिहाज से बहुत रिच है. फैसलाबाद इज़ नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान. यह है वो सफ़र जो हमने अपने बलबूते पे बनाया है. यह है वो चीज़ जो हमने इन 75 सालों में अचीव किया. मैं मानता हूँ कि बहुत कुछ नहीं है पाकिस्तान, लेकिन कभी आप ऑपोजिट साइड ऑफ द मिरर भी तो देखो. कभी आप ये भी तो देखो कि हमारे पास है क्या, हम लोगों ने कहाँ से सफ़र शुरू किया था. हम आज कंपेयर कर रहे हैं कि इंडिया में ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है, तो क्यों भूल जाते हो कि इंडियन इकॉनमी, जिसने आज भी, मतलब अगर हम बैक इन उस वक्त की बात करें तो 3 मिलियन हमारे खाए, 3 बिलियन रुपीज़ हमारे देने थे, आज तो पता नहीं कितने बिलियंस बन जाते हैं वो. उस दौर में इंडिया के पास एडसेट्स में बहुत कुछ आया था, हमारे पास तो कुछ नहीं आया था. हमारे पास तो भूख आई थी, नंग आया था. इसके बावजूद हमने तरक्की का सफ़र तय किया. माना मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन हाँ, जहाँ इस मुल्क में मसाइल हैं वहाँ इस मुल्क ने अचीव भी बहुत कुछ किया. हमारा टूरिज्म पूरी दुनिया देखना चाहती है. ये है वो पाकिस्तान. पाकिस्तान के पास सबसे बड़ी चीज़ वार्म वाटर सी है. वार्म वाटर सी वो होती है जो आपके पास पूरा साल ऑपरेशनल रहती है. पाकिस्तान मजीद तरक्की भी करेगा, बेशक हमारी तरक्की की रफ्तार आहिस्ता है, लेकिन ये बात जान लें कि वो दिन दूर नहीं जब हम भी तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होंगे. ज़रूरत सिर्फ इस वक्त एक काम बनने की है, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए काम करने की है. इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब वक्त है कि हम इसको लौटाएं, अब वक्त है कि हम यहाँ पर सेक्रीफाइस करके चीज़ों को लेकर आए. ब्रेन ड्रेन नहीं करना. मेरा नौजवान यहाँ से भाग जाता है, यहाँ से नहीं भागना, इस मुल्क में काम करना है, बहुत पोटेंशियल है. ये बात कह देना बहुत आसान है कि मेरे मुल्क में अदारे करप्ट हैं, मेरे मुल्क के पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, ये कह देना बहुत आसान है. पर क्या कभी खुद उस मैदान में उतरने की कोशिश की? तो जवाब मिलेगा नहीं. तो हमें खुद उस मैदान में आना है, हमें तरक्की का सफ़र अपने लिए तय करना है, किसी और के लिए नहीं करना. हमने बहुत सफ़र किया है, लेकिन इन सब के बावजूद, मुश्किल तरीन हालात के बावजूद भी हम लोग ऐसे टेक ऑफ करते रहे हैं. 60s में हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूट थे
जहां पर मलेशिया के शहजादे पढ़ने आते थे। पाकिस्तान जब बना था तो उसके पास स्टील मिल नहीं था। टुडे वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर्स, तो इसका मतलब है कि हमने तरक्की तो की है। रफ्तार चाहे आहिस्ता हो, लेकिन तरक्की का सफ़र बहरहाल तय करते रहे। और अपने पाकिस्तानियों को यही कहूँगा कि पाकिस्तान की तरक्की का सोचें, पाकिस्तान में रहें और पाकिस्तान को ओन करें। हम ये तो कह देते हैं कि पाकिस्तान में ये नहीं वो नहीं, ज़रा एक सवाल अपने बात से आपसे भी करें कि आपने पाकिस्तान को क्या दिया। जब हर शख्स अपने अपने हिस्से का इनपुट डालेगा तो मेरा मुल्क एकदम से टेक ऑफ करेगा। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। और पाकिस्तान जिंदाबाद, एंड पाकिस्तान विल ऑलवेज प्रॉस्पेरस। मैं अपने शो का इख्तिताम वासिफ अल वासिफ के एक जुमले से करूँगा कि पाकिस्तान एक नूर है, पाकिस्तान एक नूर है, और नूर को कभी सवाल नहीं होता। बहुत शुक्रिया।